गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएम सेकंड ईयर के पेपर पैराग्राफ्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास का सेक्शन 4 विषय के अंतर्गत हम लोगों ने इतिहास शिक्षक के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था कि इतिहास शिक्षक कौन होता है, उसके सामान्य गुण विषय गुण क्या होते हैं, यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं इतिहास शिक्षक के प्रशिक्षण संबंधी गुण। प्रशिक्षण प्रशिक्षण संबंधी गुण इतिहास शिक्षक के प्रशिक्षण संबंधी गुण, यानी कि प्रशिक्षण जो प्राप्त करता है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए अगर हम एक प्रशिक्षणात्मक दृष्टिकोण से उसके गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में अगर देखते हैं, या एक शिक्षक की शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो अगर हम इस विषय पर बात करते हैं तो यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि एक अध्यापक का प्रशिक्षित होना अनिवार्य। प्रशिक्षण का लेवल अलग अलग हो सकता है, तो जैसे प्राथमिक स्तर तक के लिए BSTC हो सकता है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए BEd प्रशिक्षित अध्यापक कार्य कर सकता है, यानी कि इनकी ये शैक्षिक योग्यता है जो प्रशिक्षण पर आधारित है। वही चीज अब यहाँ पर है कि एक अध्यापक के प्रशिक्षण संबंधी गुण कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि अध्यापक का प्रशिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। एक समय था जबकि एक जिस व्यक्ति में शिक्षण की योग्यता होती थी या जो वेद पुराण विषय आदि का गहन अध्ययन कर चुका होता है, वह शिक्षण के या कार्य कर सकता था, या फिर धीरे धीरे जो वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन आया तो ये एक ब्राह्मण वर्ग का उत्तरदायित्व होता चला गया। लेकिन वक्त के साथ पुनः परिवर्तन आया और अब कर्म के आधार पर पुनः व्यक्ति की जो है वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र माना गया। उसी में एक शिक्षक जो कि हर वर्ग का व्यक्ति जिसमें शिक्षण की योग्यता है, क्षमताएं हैं, वह शिक्षण कार्य कर सकता है। तो यहाँ आप ये समझने की बात है कि एक इतिहास शिक्षक के प्रशिक्षण संबंधी गुण कौन कौन से। तो सबसे पहली चीज जो आएगी वो इसमें आएगी प्रशिक्षण योग्यता।
सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होता है कि हर क्षेत्र में बालक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए या बालक को शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसके लिए क्या अनिवार्य हो जाता है कि शिक्षक का स्वयं का प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अर्थात जब प्रशिक्षण संबंधी योग्यताओं को देखा जाता है तो उसमें यह बात भी स्पष्ट होती है कि एक अध्यापक जो जिस क्षेत्र में योग्यता रखता है या जिसकी रुचि है या जिसको वो जानता है उसमें उसे अच्छे से प्रशिक्षित होना चाहिए। जैसे वो खेलता है, उसको खेल में रुचि, तो एक अपने विषयगत योग्यता के साथ में, यानी कि जैसे वो साइंस का अध्यापक है या इतिहास का अध्यापक है और वो खेल में भी रुचि रखता है, तो शैक्षणिक क्षेत्र में आकर वो इतिहास को शिक्षण कार्य करता है और पाठ्य सहकारी गतिविधियों में आकर वह खेलों में रुचि रखता है, तो बालकों को जैसे फुटबॉल खेलता है तो बच्चों को फुटबॉल खेलने का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो यही चीज यहाँ पर है कि शिक्षकों का किसी न किसी पाठ्य सहगामी प्रकृति में रुचि होनी अनिवार्य है और उस रुचि के आधार पर उसमें इतनी क्षमताएं विद्यमान होनी चाहिए, इस तरह का प्रशिक्षण होना चाहिए उसके बाद कि वह आसानी से छात्रों को उससे संबंध उस अपनी रुचि के क्षेत्रों से जिन बालकों की उस क्षेत्र में रुचि है उनको आसानी से प्रशिक्षित कर सके या उसके लिए उन्हें प्रेरित करके और सिखा सके। अगली बात जो इसके अंतर्गत आती है वह है प्रयोग और प्रयोजन। प्रयोग और प्रयोजन, इसीलिए
या ये कहा जाए कि छात्रों के साथ वह न्याय नहीं करेगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो निष्पक्षता और निश्चित निष्कर्ष की बात करता है। निष्कर्ष के बिना वो किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता है या मानता नहीं है। इसीलिए अनिवार्य है कि एक शिक्षक में निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है। और अगली बात इसमें आती है प्रशिक्षण। चलिए
इसीलिए समुदाय के साथ मधुर संबंध स्थापित करने में विद्यालय और समुदाय के साथ मधुर संबंध स्थापित करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उसकी कक्षा में विद्यार्थी के जो अभिभावक हैं उनसे सीधा संपर्क एक अध्यापक का ही होता है, विद्यालय समूह प्रशासन का नहीं होता है। तो ऐसे में अभिभावक क्या चाहते हैं और विद्यालय क्या चाहता है, इसकी जानकारी अभिभावक और विद्यालय दोनों को आसानी से अध्यापक के माध्यम से दोनों तरफ ये चीज आसानी से एक दूसरे तक पहुँच पाती है। इसीलिए अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है कि वो समुदाय के साथ मधुर संबंध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए। अगली बात इसमें आती है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण को प्रभावशाली वह अपने व्यवसाय के साथ अपने उत्तरदायित्व के साथ में जो कहा जाए कि चोरी कर रहा है या ये कहा जाए कि वह अन्याय कर रहा है, ऐसे में वह शिक्षक ये कहा जाए कि अपनी किसी भी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं निभा सकता है। इसीलिए शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि वह अपने शिक्षण कार्य को भी प्रभावी बनाए, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व उसका उद्देश्य केवल नहीं है कि आज की तनख्वाह बदले, उसका उद्देश्य है कि आज अगर उसको ये संतुष्टि हो जाती है कि आज जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ मैंने पढ़ाया है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, अर्थात मैं आज का मेरा जो कार्य था जिस लक्ष्य को मैं लेके चला था वो लक्ष्य मेरा पूर्ण हुआ है, अगर वो नहीं होता है तो उसे प्रयास करना है, तब वह शिक्षक अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता से निभाता है। इसीलिए शिक्षक को प्रभावी बनाने के हर प्रयास हर विधि हर उपकरण हर संसाधन का उसे करना आना चाहिए करना चाहिए जिससे कि वह शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सके। अगला है छात्रों की विस्तृत जानकारी। छात्रों की विस्तृत जानकारी एक अध्यापक के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि उसे छात्रों की विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। बालक की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पारिवारिक स्थिति क्या है, किस तरह का उसका व्यवहार है, किस तरह का स्तर है, किस तरह के वहाँ पर संसाधन है, इसकी जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि जब विद्यालय के माध्यम से कोई कार्य किया जाता है, किसी प्रकार के कोई आयोजन किया जाता है, किसी प्रकार की कोई गतिविधि आयोजित की जाती है, तो अगर छात्र की योग्यता क्षमता उसकी संसाधनों उसकी पारिवारिक स्थिति संबंधों के बारे में नहीं पता होगा तो आप बालक को किसी भी प्रकार का कार्य सौंप सकते हैं, और ऐसे में हो सकता है कि बालक को उन संसाधनों को जुटाना या उसके लिए उनको प्राप्त करना कठिन हो। ऐसी परिस्थिति में बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा और आप उसके लिए बाधा उपस्थित होगी, इसीलिए इसमें विस्तृत जानकारी का होना अनिवार्य है। और इसी तरह से एक इतिहास शिक्षक को अपने समय सभी उत्तरदायित्वों को बहुत गंभीरता से पूर्ण करना चाहिए, जिसको कि हम आगे और इसको कल के वीडियो में इसको कंटिन्यू करके और कंप्लीट करेंगे। आज हम यही बात को कंप्लीट करते हैं, इसीलिए होमवर्क भी हम कल के उसमें पोस्टपोन करते हैं। आज हम होमवर्क अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें, घर से बाहर निकलते हैं 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, स्वस्थ रहें सुरक्षित।